आज बच्चे बहुत कम आए, बहुत परेशानी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आज जुमातुल मुबारक का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जुमा अदा करके आया हूँ, तो आप सब के लिए भी मैंने वहाँ जुमे के फौरन बाद अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी दुआ मांगी थी। जहाँ अपने लिए दुआ मांगता हूँ, वहाँ आप सब के लिए भी दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में कोई गम ना आए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना ता फरमाया। जो कोई अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए गैब से अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमाया। और जो कोई मकरूज़ है, अल्लाह पाक उनके कर्ज का इंतज़ाम फरमाया। और जो कोई माली परेशानी की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उन सब की माली परेशानियों को भी दूर फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब घर आ गया हूँ जुम्मा अदा करके। और अब जो भी छोटी मोटी रूटीन हुई, क्योंकि मैं कहीं आता जाता तो हूँ नहीं ज़्यादा, तो बस घर में ही रहता हूँ। तो बहरहाल आपने व्लॉग को मुकम्मल देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो मज़े नाज़रीन, घर वालों ने कहा है कि जाकर सुबह सुबह दही लाओ और कुछ सामान ले आओ। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, फिर वापसी पर आपको दिखाते हैं। ये जी पैसे लेकर जा रहा हूँ अब दही लेने के लिए। ये देखें, ताला दे दिया है मैंने। और अब ये जा रहा हूँ दही लेने आज, क्योंकि जुम्मा है और घर वालों ने कहा दही ले आए और कुछ और सामान भी। तो ये सामने जी गली में जा रहा हूँ। और ये देखें जी, ये देहाती माहौल है जी। और आज हमारे घर महफिल भी है। ये देखें जी, मेन गली में जा रहा हूँ और ये सामान लेकर दही वगैरह आ गया हूँ। ये जी मोहम्मद हंजला जो है वो खेरा है अपनी साइकिल के साथ। ये देखें, बहुत ज़्यादा ठंड है यकीन कर। और दरूद पाक पढ़ने वाले बच्चे भी आज बहुत कम आए हैं, बमुश्किल 13-14 बच्चे आए हैं, जहाँ 50 बच्चे आते थे। ये हम आग जलाकर बैठे हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।